स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। थोड़ा सा चिंतन करने पर एक बात बड़ी साफ हो जाती है, वो बहुत साफ होती है कि आत्मा जब पवित्र है, जब निर्मल है, इसमें राग द्वेष नहीं है। थोड़ा सा चिंतन करना मेरी बात पर, मैं लॉजिक बात बोलता हूँ, फालतू नहीं बोलता। काम क्रोध से परे है, मन बुद्धि चित्त अहंकार आत्मा में नहीं है, विकारों से रहित है, तो फिर इस शरीर में कुछ झंझट तो है ना, कुछ ऐसी ताकतें हैं। अनचाहे इंसान से पाप कर्म करा रही है। अगर आज हम इंसान की तरफ देखें, बड़े जघन्य अपराध कर रहा है, बहुत तगड़े तगड़े अपराध कर रहा है। भाइयों, थोड़े से विचार से देख लो, साहब की बातें ट्रांसपेरेंट है। इतने बड़े बड़े जघन्य अपराध हो रहे हैं। सीधी बात है कि इसमें कुछ और भी चीज रह रही है कि नहीं रह रही है? नहीं तो ऐसे गीतरांग अपराध आत्मा तो कर ही नहीं सकती है। न्यूज चैनलों में, अखबारों में पढ़ते हैं, 2 साल की बच्ची के साथ में रेप किया। आप सोचो, आखिर ये कौन सी ताकतें हैं जो इंसान को विवश करके सभी पाप कर्म करा रही है? दुनिया में क्रूरतम लोग पैदा हुए, हिटलर हुआ, इदी अमीन हुआ, और भी डेंजर लोग हुए जो मनुष्य को बड़ी क्रूर यंत्राएं देकर मारते थे। ऐसी सोच हमारी आत्मा की है क्या? अगर ऐसी सोच आत्मा की गौरव नहीं है तो भैया फिर इस शरीर में कुछ और हैं जो नचा रहे हैं यार इंसान को। यही साहब ने बोला, इस पॉइंट पर कोई जा ही नहीं रहा है। सब मटेरियल सौदा और राय अपने फायदे की दे रहे हैं। मैं निंदक नहीं हूं, विचारक हूं। जब हमारी आत्मा इतनी निर्मल है, इतनी पवित्र है, तो ये एक्टिविटी फिर कैसे हो रही है इतनी गंदी गंदी? आप थोड़ा मेरे पिछले सत्संगों की तरफ नजर डालो। मेरा जो पहले वाले सत्संग है ना, उस पर नजर डालो। मैंने कहा इतना गंदा समय आएगा, आज से 20 साल पहले कहा था। उस समय इतना माहौल खराब नहीं था। भाई भाई से छल करेगा, बाप बेटे से छल करेगा, पैसे लेकर उसी समय कहेगा नहीं लिया। आदमी सिर्फ दगा धोखा बेईमानी पर डिपेंड हो जाएगा। 500 रुपये लेकर आपको ऑनलाइन ज्योतिषी आपको जीवन के उत्थान की बात बता रहे हैं और पैसे तुमसे ले रहे हैं 500 रुपये, तुम्हें मालामाल कर रहे हैं। अरे तू अपनी गठड़ी संभाल पहले। सत्य पुरुष का मर्म न जाना, झूठे ज्ञान सभी लिपटाना, इतना साफ क्यों है? इस तरह सभी इन चीजों में उलझे हुए हैं। आज दुनिया का आलम क्या है? जब इंसान ज्यादा बीमार हो जाएगा तो ब्रेन पर असर पड़ेगा। कुछ ऐसी बीमारियां हैं उनके बाद आदमी को, उदाहरण के लिए मियादी बुखार, अचानक दिखेगा भूत खड़ा है, होता नहीं है।
और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मरीज को शंकाएं होगी और कई ऐसी चीज़ें आएगी, ऐसा लगेगा भूत रह रहा है, तो डॉक्टर वहाँ उनको पहले समझाते हैं तुम्हें ऐसा लगेगा भूत और रियल लगेगा, उसके बाद कंट्रोल, और फिर पूछते हैं भूत दिखा गया, इसका मतलब हमारे दिमाग पर एक असर पड़ जाता है। इस तरह निरंजन ने सबके दिमाग को गरमाया। सत्य पुरुष सदगुरु सुपाए, सत्य नाम कह जाए समाये, कहे कबीर धनदास से अमर मूल निज नाम, अमर शब्द घट में बसे तब पाए पद निर्माण। वो नाम आएगा आपको सभी पहमों से हटा देगा। मुझे एक आदमी ने कहा गुरुजी 2 साल हुआ मुझे कुछ मिला नहीं, मैं बोला बैठ जा तुझे जो मिला अभी दिखा देता हूँ, वो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। मैंने बोला पहले और अभी मैं तुम्हारे व्यक्तित्व में अंतर है, बोला वो तो है। क्या है? बोला पहले मेरा मन जो चाहता था कर लेता था, लेकिन गुरुजी कुछ अंदर में, मैं बोला ये अंदर में ही तो एक्टिविटी हो रही है, अंदर में तू लाइटें देखना चाहता है या क्या देखना चाहता है? हृदय परिवर्तन होता है, तुम बदल गए। बोला हाँ। तुम पाप कर रहे हो? बोला नहीं। कुछ भी गलत करने से पहले तुम्हें ज्ञानी बना दिया यार, थोड़ी सी अगर लेट है इसमें मेरा दोष नहीं, इसमें तेरा दोष है कि तू अपना अधिक से अधिक समय मायावी चीज़ों में लगा रहा है, अंदर की दुनिया में तू नहीं टाइम लगा रहा है, बाकी साहब ने अपना पूरा पूरा काम कर दिया है, बस माँ बच्चे को जन्म देती है उसको फीडिंग चाहिए। वो बच्चे को गोद में लेकर निप्पल भी मुंह में देती है, पीना बच्चे का काम है, गले के नीचे उतारना बच्चे का काम है। इसलिए तो साहिब कह रहे हैं नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो हुए, 3 सत्य जब एक हो तो विश्व अमृत होए। इस तरह इस दुश्मन को कोई नहीं समझ पा रहा है। सत्य में पाव वासा बिना अमर नहीं काल, काल विनाश। बोला जब तक नाम नहीं आएगा इस पर कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो, बस ये सिद्धांत अपील है। इस सिद्धांत को गोस्वामी जी कैसे कह रहे हैं? बल बर घृत मिले बार के मतते, ये ट्रेंड हो गया हर जगह चलता रहता है ना, घृत बर मिले बार के मतते, घृत बरु भले ही मिले बारी पानी को मतते, कोई कहे पानी को मत कर घी मिला, सिकता से बड़ तेल, सिकता कहते रेत को, कोई कहे रेत परोने से तेल मिला, मिल सकते हैं क्या? नहीं। गोस्वामी जी कह रहे वो भी मान लूंगा, बिन गुरु भक्ति बिन जीव तरे, यह सिद्धांत अपेल। वाह वाह, कह रहे बिना गुरु की भक्ति के जीव तर ही नहीं सकता। इसलिए गोस्वामी जी ने रामायण का प्रारंभ भी किया है, बंद रहो गुरुपद गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, यानी ये गुरु मानव वो परम सत्ता मानव रूप में अवतरित होती है। कैसे होती है? शरीर वो होता है, वो आकर अपना पूरा काम करता है इसमें बैठकर। यार मेरे से सहज और साफ कोई बोलता ही नहीं है। अपील, ये सिद्धांत अपील, ये पक्का निश्चय है। और साहब यही करें बिकॉज गोस्वामी फॉलो टू दी काव्य साहब, और गोस्वामी कम इन अर्थ 200 ईयर बिफोर कबीर थे, इसलिए पूरी आइडियोलॉजी ली है। जो जो जहां जहां साहब का मटेरियल उठाया है वो मैं जानता हूं। पढ़ पर मूर्ख ज्ञान बिगाड़े, ज्ञान गंभीर नहीं कोई बेचारे, सिर्फ पढ़ते हैं इसकी गहराई तक नहीं जाते हैं। ज्ञान गंभ जाके घट हुई शब्द खोज कर जाने सोई। बोला जिसके पास नाम की ताकत है वो ही अंदर खोज पाएगा, अपने दुश्मनों को देख सकेगा, नहीं तो कभी नहीं देखेगा। भाई मदन मोहन पहले भी आप एक काफी धर्म क्षेत्र में थे, नहीं थे? आपको सब महाराज बोलते थे, कुछ बदलाव तब हुआ था क्या जितना यहां हुआ? तब से बोल रहा था कि मेरे को गुरु करना है, गुरु करना है।
ये पुराने संस्कार थे। इसने बड़ा सटीक उधार दिया, इतना परिश्रम करने के बाद थोड़ा। ज्ञान गम्य ने मूर्ख पावे, सदगुरु मिले तो भेद बताए। गुरु हमेशा साथ हो जाता है, ये स्पिरिचुअल जर्नलिज्म में आपके ब्लड में। देखो अब साहब के शब्द कितने मार्मिक है, गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया करने है, बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप तो दे। वाह, आप अक्सर देखते हैं ये मृदुल, इनकी कितनी शक्ल लिया है, क्योंकि मैं इनको जितने जितना मृदुल है उतना भी देखा था। सेम सेम क्यों हुआ, ब्लड। ब्लड जो इनके बेटे की बॉडी बनी है इनके ब्लड से बनी, उसके अंदर कोमलता भी इसकी तरह आई, आंग भी इसकी तरह आई, स्किन का कलर भी इसकी तरह आया, आता है माँ का भी। हमारे पास पेरेंट्स की शक्ल आती है, सूरत आती है, थोड़ी थोड़ी अकल भी आएगी नहीं, क्योंकि ब्रेन का स्नायु मंडल भी उनकी तरह ही तो बना। ये छोटेपन में बैलेंस करता ही नहीं था झगड़ा, वो मृदुल भी नहीं करता है। बाप पर पूत, वंश पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। अभी गुरु भी शिष्य में समा जाता है, बताता हूं कैसे समाता है। इसको कहते हैं भृंगमता, ये आइडिया होना चाहिए। अरे आप में तो कभी कभी भूत भी समाता है, लोगों में भूत समा जाता है कि नहीं, बॉडी उसके लिए होती है, व्यक्तित्व तो उसका होता है, भूत जब समाता है तो उसका पूरा बेड़ा गर्क कर देता है, वो खुद ही हो जाता है। इस तरह गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया करने, मैं आप में समाया हूं, आप में सम, ये स्पिरिचुअल जेनिसिज्म है। आपके कंसंट्रेशन में मैं अपना कंसंट्रेशन, यानी ये कैसा हुआ योग, ये मैथुन सृष्टि नहीं हुई स्पिरिचुअल। इस पर साहब एक बात कह रहे हैं, मैं साक्षी देता हूं, कह रहे हैं पुरुष रचनते नारी है, परमात्मा ने नारी रची यानी आदि शक्ति, नारी रचनते पुरुष, और नारी ने पुरुष त्रिदेव रचे। पुरुष रचनते नारी है, नारी रचनते पुरुष, पुरुषे पुरुषे जो रचा ते बड़ला संसार। अरे पुरुष से पुरुष कैसे बनता है, क्या गए हुए क्या, नहीं, पुरुष पुरुष जेव रचा ते बड़ला संसार। अगर कोई मुझे कहे कि आदमी ने बच्चे को जन्म दिया, मैं कभी नहीं मानूंगा। अगर कोई कह रहा है तो बकवास है, उसको बेबी ट्यूब ही नहीं है, एक तो गर्भधार है, गर्भाशय है, तो बच्चा जहां पोषित होता है वो सिस्टम ही नहीं है। सुरेंद्र जी हो सकता है क्या ये, आपने अफवाह सुनी होगी पर कभी देखा नहीं होगा। लेकिन कबीर साहब क्या बोल रहे हैं, पुरुषे पुरुषे जो रचा था तो बड़ा संसार। अब आपको मैं बताता हूं, वो सुनो, मैं आपकी सुरति में आ गया, मैंने ये काम किया, इसको भृंगमता कहते हैं, आप में समाया, आपका ब्लड बेटे में समाया, आपका उसमें मोह आया, मेरा भी तुम में मोह है। ठीक है, मोह नहीं होता तो मैं अपना चैन हराम करके इतना क्यों दौड़ता फिरता। गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों तीर्थधारा बनी आगे गंगा एक, कबीरा आगे गंगा एक। अब एक बात और सुनो, वही बच्चा जो आपके खून से पैदा हुआ आड़ा टेढ़ा चलता है तो माँ बाप भी भगा देते कि नहीं,
हाँ भाई सुरेंद्र कितनी पते की बात बोली, तब भगाने के बाद भी कहता हूँ बाकी जगह आ जाना इधर मत आना। आप सोच बड़ी मार्केबल बात कही इन्होंने। मास्टर जी क्या कह रहे, सिर्फ एक आदमी को मैंने बोला था, एक आदमी सिर्फ उसको मैंने भगाया किसी कारण, बहुत बड़ी गलती थी। बोला कहीं और आऊं, मैं बोला कहीं भी नहीं। बोला रास्ते में कभी बंदगी कर लूं, मैं बोला वो भी नहीं। किसी के घर आप हैं वहां आ जाऊं, मैं बोला वो भी नहीं। तो माना ही नहीं। उसने एक बात बड़ी प्यारी कही, लेकिन एक बात याद रखना गुरुजी, आपके अलावा किसी को मैं जप नहीं सकता हूं अभी, चाहे कहीं भी हो, नर्क में भी जाऊंगा तो भी आपका नाम जपूंगा, आगे आप देख लेना। क्या मार्केबल बात बोल के चला गया मास्टर जी, और उसको नहीं आने दिया, मैं नहीं आने दिया। बहुत बड़ा अपराध था। अब आपको हमेशा लगता हुआ आप में हूं, आप में मां बाप हैं, ये तो कानों से सुनकर लोगों से जानकर पता चला है ना। पर मां बाप आपको प्रत्यक्ष अपने में दिख नहीं रहे, हम प्रत्यक्ष दिखेंगे। ठीक है, हम आपको अंदर दिखेंगे, हमारी हाजिरी, हमारा कंसंट्रेशन। गुरु समान आश्रय रहने देना, अगर तुम गलत चलोगे फिर हम बेटा हो जाएंगे। ठीक है, तुम्हें गलत नहीं चलने देंगे, जैसे गलत जाओगे हम समझाएंगे ये गलत नहीं करूं, उसके बाद नहीं मानोगे तो फिर ये होगा जान जान न करे डिठाई, डूबा जाए चाह न पाई, फिर डूब जाओगे। इसलिए गुरमुख होने का नाता सभी संतों ने दिया। ये सात नर्क के द्वार है, इन सात ही कर्मों से सात कुंभी नरकों में जाना पड़ता है। तो गुरुकुलों में गुरुजन ऋषि मुनि जन बच्चे को पहले सत्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे, इसलिए सब लोग नोन थे। जैसे देखो आपको मैंने सन्मार्ग की तरफ ले चला तो आप नोन हो गए ना, आप नहीं कर रहे ना ये चीज़। चौथा परिस्त्रीगमन, ये बहुत बड़ा पाप है। परनारी के रास्ते अवगुण हैं गुणनाय, और रावण के दस सिर गए परनारी के माँ। मलमूत्र की इंद्रियां जो रानी के पास है वही कानी के पास है। आप हम स्त्री को सिर्फ सेक्स का साधन क्यों समझते हैं, उसको हम इसी दृष्टि से क्यों देखते हैं कि सिर्फ यही है इसके पास। ये ना देखो, ये अच्छी मित्र भी है, अच्छी सेवक भी है, इसमें समर्पण भी है। आप देखो बहुत बीमार आदमी हो जाता है तो भी उसकी पत्नी प्रार्थना करती है साहब जी से ठीक करो, संभव है उसमें अभी सेक्सुअल पावर नहीं रहा है तो भी वो एक साथी ढूंढती है। और इंसान शादी करके बाल बच्चे पैदा होता है, एक घर बनाता है, वो उसका संसार है। आप पराई स्त्री को ले जाओगे उसकी पूरी लाइफ खत्म नहीं हो गई, उसके बच्चे सब बेघर नहीं हो गए, और तुम्हारे भी तो हो गए ना, आपकी पत्नी भी स्वीकार नहीं करेगी। परनारी के रास्ते अवगुण हैं गुणनाय, रावण के दस सिर गए परनारी के माँ। आप अपना पूरा नेह उस परनारी में क्यों लगा रहे हैं, जब आपने शादी की प्रतिज्ञा करके अपनी पत्नी तक सीमित रहो ना, वो तो तुम में समर्पित है। इसलिए बच्चे दोनों बर्बाद हो जाएंगे, सास ससुर समाज में निंदा हुई होगी। पांचवा चोरी, चोर को कोई भी इज्जत की दृष्टि से नहीं देख सकता है। मनी इज द ब्लड ऑफ द बॉडी,